Hey guys, welcome to ConsumerZilla. So दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, मतलब ऑन डिमांड बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे काफी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपने जो स्लोविक का जो रेजिस्टेंस ट्यूब जो आपने लिया है, तो उसकी अभी कैसी कंडीशन है, कैसे उसकी क्वालिटी है. ओके और अभी काफी समय हो गया, मतलब ऑलमोस्ट शायद 1 साल तो हो गया, 1 साल से ज्यादा हुआ है. तो अभी मतलब वो उनकी कंडीशन क्या है. ओके और अभी रिसेंटली भी मुझे एक व्यूअर ने बताया था कि आप 1 साल बाद वाला भी एक बार रिव्यू कीजिए, ताकि उससे जो मतलब कस्टमर्स है बेसिकली जो ये परचेस करना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर 1 साल के बाद भी इसमें कुछ रस्ट तो नहीं लगता है, या फिर इसका जो रबर है वो खराब तो नहीं हो जाता है. तो ये सब चीजें उनको पता चलेंगी और उनको एक रियल टाइम मतलब एक्सपीरियंस पता चलेगा एग्जैक्टली मेरे थ्रू. तो इसलिए ये मैं वीडियो खास करके उनके लिए बना रहा हूँ. तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो ये है अपना स्लोविक का जो बैग, मतलब मुझे मिला था जब मैंने परचेस किया, तो इसके अंदर ही सब जो ट्यूब्स है इसके अंदर ये, और जो उसके साथ जो भी उसके स्ट्रैप्स होते हैं या फिर जो उसके हैंडल होते हैं सब इसके अंदर है. तो मैं अभी एक एक करके उसको ओपन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इसकी अभी भी क्वालिटी कैसी है. ओके कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है. इसको 2 महीने यूज भी किया है, लेकिन अभी कुछ रिसेंट पास में मुझे जैसे इंजरी हुई थी टेनिस एल्बो की, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा उसको मतलब मैंने यूज नहीं किया. जो ज्यादा LB वाले जो बेसिकली ट्यूब्स हैं उनको मैंने इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया है, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो बेस वाले हैं उनको तो मैं काफी यूज भी किया है इसके पहले भी. तो कुछ प्रॉब्लम तो मुझे अभी तक तो नहीं आया. तो मैं चलिए इसको एक एक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले बैग की, तो बैग तो मतलब डेफिनेटली गए, बैग तो काफी अच्छी ही क्वालिटी के हैं. अभी 1 साल से ज्यादा भी हो गया, इसको अगर आप प्रॉपरली आप कहीं पे रख दोगे, इसके अंदर जो भी मटेरियल आप यूज नहीं करने वाले हो, जैसे कि जो बैंड जो ज्यादा हैवी है वो आपको नहीं यूज करना है, तो इसके अंदर रख सकते हो. काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर वो रहेंगे और खराब भी नहीं होंगे बाहर धूल मिट्टी में. तो सबसे पहले तो गाइस ये आप देख सकते हो जो डोर एंकर, जिस एंकर बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आप डोर पे वगैरह इसको फंसा के आप इसके अंदर ट्यूब डाल के बेसिकली आप इसको एज अ हैंगर यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो ट्यूब्स के लिए. तो ये भी काफी अच्छा है क्वालिटी, इसका जो स्ट्रैप है वो भी काफी अच्छा है, और ये भी जो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टिक का जो रबर का मटेरियल है वो भी प्रॉपर है. तो ये मजबूत है काफी, तो मैंने इसको भी काफी एक्सटेंसिवली यूज किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ देख सकते हो आप. दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद जो है, ये देखें ये जो बेसिकली हैंडल्स है जो आपको यूज करना है ट्यूब्स के साथ, तो ये दोनों भी हैंडल्स है वो भी एज इट इज है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आए. इसका यहाँ पे जो स्पॉन्ज दिया है, यहाँ पे जो कुशनिंग दी है वो भी काफी ज्यादा मतलब अच्छी है, और ओवरऑल मतलब 1 साल से ज्यादा हुआ, कहीं पे भी कुछ वेयर एंड टेयर इसमें नहीं हुआ है. ओके इसके अलावा और एक चीज जो है मुझे अच्छी लगी ना, कि इनका ये जो मतलब यहाँ पे जो भी इन्होंने मेटल यूज किया है ये देख सकते हो. ओके ये जो मतलब बेसिकली रिंग्स जो है जिसके अंदर आप ट्यूब को यहाँ पे फंसाने वाले हो, तो ये जो है ये मतलब बिल्कुल भी इसको रस्ट नहीं लगा. ओके तो वो भी एक चीज है कि आपको इसको प्रॉपरली बैग में रखना है ताकि ये रस्टिंग मतलब ना हो, लेकिन इन जनरल भी अगर इतना मतलब यूज करेंगे और इसको रस्ट नहीं लगे, तो काफी अच्छा मतलब मटेरियल है ये बेसिकली, जो भी मेटल यूज किया काफी अच्छा मतलब मेटल है ये. ओके तो ये हो गया सेकेंड चीज है, इसको साइड में रखता हूँ. बेसिकली जो स्ट्रैप जो है एंकल स्ट्रैप जैसे इसको बोलते हैं, तो इनको तो मैंने मतलब हार्डली यूज ही नहीं किया मतलब बोल सकते हो आप, बिकॉज ये कुछ है जो मतलब मुझे नहीं लगा कि मतलब मैं अभी इसको फिलहाल यूज करना चाहिए मुझे. तो ये तो एज इट इज ही है, देखिए आप देख सकते हो, उसको मैंने ओपन भी नहीं किया है, ये बैग में वैसे ही थे, लेकिन इसको भी कोई भी रस्ट या फिर कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ ये भी, तो ये भी अच्छी चीज है. इसके बाद में अभी लास्ट आपको दिखाता हूँ पूरा, ये जो ट्यूब्स है इनको ओपन करते हैं, देखिए ये जितने भी ट्यूब्स है ये मैंने ओपन कर लिया, ये बैग हो गया खाली. तो ये पूरा सेट है ट्यूब्स का 5, इसके अंदर आपको ट्यूब देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको मैं थोड़ा प्रॉपरली अलाइन कर लेता हूँ एक बार, ये हो गया यहाँ पे ऐसे. ओके इसको मैं यहाँ पे गाइस ये देख सकते हो आप, पांचों ट्यूब्स यहाँ पे हैं, कहीं पे भी कट नहीं गिरा है कोई भी ट्यूब पे, एज इट इज है. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी जो इनके जो हुक्स है, ये हुक्स भी काफी मतलब इसका मटेरियल काफी अच्छा है, जो मेटल है देखिए, जो भी मैंने मतलब ज्यादा यूज किए उसका थोड़ा सा मतलब शाइन गया है, लेकिन जो भी मैंने यूज नहीं किया जैसे ये ब्लैक वाला हो गया जो आई थिंक
50 LB का है शायद से, 50 या 80 LB का ब्लैक वाला, 40 LB का है वो। मैंने हार्डली यूज किया, तो ये देख सकते हो आप, शाइन इसके ऊपर बहुत अच्छी शाइन है, जैसे नया होता है वैसे। लेकिन जो मैंने ज्यादा यूज किए उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आपको ये शाइन जो है उसका कम हुआ है, बट एनीवेज जो भी है रस्ट तो नहीं लगा है। और इसके अलावा ये जो हुक्स है वो भी एज इट इज है प्रॉपर, कहीं पे भी डैमेज नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि मे बी यहाँ से ये टूट जाएगा, ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये फंसा है इसके अंदर स्ट्रैप्स के अंदर, तो ये जो ज्वाइंट है ये खराब हो सकता है। लेकिन गाइज देखिए, मैंने अभी इतना यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये यहाँ पे इतना कमजोर है और टूट सकता है। बट अगेन कैसा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसका उस टाइम पे कहीं पे भी डिफेक्ट हो सकता है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मतलब सब प्रोडक्ट इसके जो है वो खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी किसी का मतलब बैड लक की वजह से हो सकता है कि वो तो यहाँ पे टूट गया है, बट मेरा तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। स्लोवी के जो ट्यूब्स है इसके अंदर में कौन सा मतलब मटेरियल लेना चाहिए, जो टीपीई मटेरियल होता है वो लेना चाहिए या फिर लेटेक्स वाला जो होता है लेटेक्स वाले वो लेना चाहिए? तो गाइज मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो अगर आप लेते हो तो आप जो लेटेक्स वाले जो रबर रहते हैं उसके मतलब आपको लेना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और टीपी मतलब इसके अंदर थोड़ा प्लास्टिक होता है, तो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं उसकी मतलब क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन ये जो मैंने लिए है एक एक 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट, तो ये जो है वो लेटेक्स के प्रॉपर, और आप देख सकते हो यहाँ पे इनको, यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, ये देखिए। तो ये एज इट इज है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको यूज करने में। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, अभी मैं फिलहाल मतलब मेरे को थोड़ा जो मेरा टेनिस एल्बो है उसका जो पेन थोड़ा एग्रेवेट होने की वजह से मैंने इसको अभी यूज करना बंद किया है। बट फिर भी ये अगर आप एक बार भी लेके रखते हो और कल जाके आपको कुछ इंजरी हो सकते हैं, मे बी आपको शोल्डर इंजरी हो जाए मतलब नॉर्मल कहीं भी ट्रैवल करते हो, या फिर आपको जैसे मुझे टेनिस एल्बो को प्रॉब्लम हुआ है, या फिर आपको रिस्ट इंजरी हो जाए, तो इसकी वजह से आपका मतलब जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप इसको आपको प्रॉपर पैक करके आप रख सकते हो और जब भी आप रिकवर हो जाओ आप इसको यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली मतलब ये जो ट्यूब्स है ये वर्थ है बाइंग, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप इसको सालों यूज कर सकते हो। ओके, तो दिस इज माई अगेन 1 ईयर के मतलब बाद का जो है रिव्यू ये मैंने आपके लिए किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है, फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपको क्वेरीज है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो डेफिनेटली इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे कोई नए वीडियोस में अपलोड करूँ इन्फॉर्मेशन जो कंज्यूमर सेंट्रिक हो, तो डेफिनेटली उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस स्टिल एंड कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला, टेक केयर, बाय बाय।